आखिरकार खुल ही गया सुशांत सिंह राजपूत की मौत करा। कहा जाता है ना कि सच्चाई कभी नहीं छिपती है, चाहे आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन एक ना एक दिन ये सच्चाई सामने आ ही जाती है। आइए अब आपको बताते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की साजिश क्या है। दरअसल सुशांत सिंह के केस में मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड साबित किया, तो वहीं बिहार पुलिस को इस केस की जांच नहीं करने दी गई, जिसके बाद एनसीबी इसे नशे के एंगल से जांच कर रही थी, जबकि परिवार वाले चिल्लाते रह गए कि बॉलीवुड के कुछ सितारों और राजनेताओं को पकड़ो, असली गुनहगार वही हैं। हालांकि एनसीबी की चार्जशीट में 33 आरोपियों के नाम हैं, जिनका एक एक पन्ना आरोपियों के नाम से लिखा है। आरोपी नंबर एक से लेकर आरोपी नंबर 33 तक ने क्या क्या गुनाह किया, वो सब कुछ इन पन्नों में लिखा गया है। उन 33 आरोपियों में 4 आरोपी ऐसे हैं जिनकी सुशांत सिंह केस में बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं आरोपी नंबर 10 की, जो सुशांत की मौत के बाद खूब रोई और चिल्लाई, लेकिन आखिरकार साजिश पकड़ी ही गई। जांच टीम भले ही रिया को नशे की दलदल में धकेलने का असल गुनहगार मान कर चल रही हो, लोगों को आशंका है कि सुशांत की असली गुनहगार अभी भी बाहर है। हम आपको बताते हैं वो कौन है, लेकिन उससे पहले सुनिए चार्जशीट पर रिया के खिलाफ क्या आरोप है। वो पार्टी में मिली, फिर साथ में जिम जाने लगी, धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर साथ रहने लगे। रिया ने सुशांत का खूब फायदा उठाया। चार्जशीट में 32 बार रिया चक्रवर्ती का नाम लिखा गया है। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश ने पूछताछ में रिया का नाम लिया और कहा कि वो सुशांत को खुद नशा देती थी। उसने सुशांत को ऐसा बना दिया कि लॉकडाउन में घर बदलने से पहले उन्होंने 2 महीने की डिलीवरी मांगी थी। अप्रैल मई के महीने में सुशांत ने नशा छोड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। रिया खुद ही नशा तस्करों को पैसे भी देती थी। रिया का घर ही सुशांत के नशे का अड्डा था। दरअसल नशे की लत पूरा करने के लिए पैसे सुशांत सिंह राजपूत के ही होते थे, लेकिन इसके बावजूद शक की सुई इसलिए घूमती है क्योंकि मौत के वक्त कई ऐसे हालात थे जिससे पुलिस तो छोड़िए आम जनता को भी विश्वास नहीं होता था कि सुशांत की मौत एक सुसाइड है। तो क्या मुंबई पुलिस पर दबाव था? बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज महेश भट्ट, संजय लीला बंसाली, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा से पूछताछ हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। पता चला ये भाई भतीजावाद का नतीजा है। उसके बाद आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आया, लेकिन पुलिस ने इस एंगल पर जांच ही नहीं की। अब आइए आपको बताते हैं आरोपी नंबर 7 की कहानी। शौविक चक्रवर्ती ने सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल के साथ मिलकर बड़ी साजिश रची थी। इसकी कहानी सुशांत की मौत से 9 महीने पहले शुरू हुई। सितंबर में पहली बार सूर्यदीप नाम के नशा तस्कर ने सुशांत को ज्वाइंट ऑफर किया और यहीं से सुशांत नशे के दलदल में गया। सूर्यदीप कमरजीत को नशा देता और फिर कमरजीत से सैमुअल और शौविक चक्रवर्ती के जरिए सुशांत को नशा पहुंचाया जाता था। इस नशे ने 9 महीने में सुशांत सिंह राजपूत जैसे तेज तरार एक्टर की हालत ऐसी कर दी कि उन्हें नशे की लत लग गई। 7 सितंबर 2020 को सुशांत ने 40,000 रुपए का नशीला पदार्थ खरीदा, जो सैमुअल को अशोक कुमार नाम के आदमी ने दिया और फिर ये नशीला पदार्थ सुशांत तक पहुंचाया गया। अगर सुशांत सिंह इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद आज जिंदा होते। उनकी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती रिया चक्रवर्ती को अपनी जिंदगी में लाना था। कहते हैं ना कि जब किसी को जीत ना पाओ तो उसे बदनाम करना शुरू कर दो। यही हालत सुशांत के साथ भी हुई, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। एनसीबी इस केस से जुड़े हर सवालों के जवाब खंगाल रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई की टीम अब तक कुछ नहीं कर पाई। सीबीआई जैसी जांच एजेंसी तो इस मामले में इतनी सुस्त पड़ गई कि एक आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई, जबकि और मामलों में सीबीआई की जांच खुद ब खुद तेज हो जाती है। 6,272 पेज की डिजिटल सबूत जो एनसीबी के कोर्ट में पेश किए गए, अब उसी आधार पर 33 आरोपियों का गुनाह तय होगा और हो सकता है इसके आधार पर कोई नया केस भी बन जाए। लेकिन सुशांत केस का असली गुनहगार क्या कोई और है, ये सवाल अब भी बना हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।